हेलो एवरी वन दिस इज सुगंधा एंड यू आर वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड येस आई एम बैक विथ अनदर सेशन इन स्टूडेंट स्पेशल सीरीज और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज वो रिलेटेड है हमारे एग्जाम के फियर से यस चाहे कोई भी हो चाहे कोई रैंक होल्डर हो चाहे कोई टॉपर हो चाहे नॉर्मल मीडियाकर पढ़ने वाला हो या फिर ना पढ़ने वाला हो ये एक ऐसा फियर है जो सबको ही रहता है चाहे आप कहें ना कहें लेकिन हाँ बटरफ्लाइज तो रहती ही हैं कि क्या होगा मेरे एग्ज़ाम्स का और मेरे मार्क्स कैसे आएंगे? मैं टॉप करूँगा या नहीं मेरी परसेंटेज कैसी आएगी मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो पाऊंगा या नहीं राइट सो so, इसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कर लेते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि अब क्या करें कैसे इससे निकलें कैसे एग्ज़ाम्स दें और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस और टेंशन से हम अपनी प्रिपेरेशन्स भी हैम्पर करते हैं हम बैठे बैठे बहुत टाइम तक यही सोचते रहते हैं कि यार ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा ये हुआ तो क्या होगा मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या हुआ और हम बहुत सारा टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं और इनफैक्ट जिस दिन एग्ज़ाम भी होता है उस दिन भी हम टेंशन में ही सुबह उठते हैं और टेंशन में ही एग्ज़ाम हॉल तक जाते हैं और जब तक पेपर डेस्क पर नहीं आता तब तक टेंशन में ही रहते हैं स्ट्रेस में ही रहते हैं ये सबके साथ होता है कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो कहते हैं कि नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन तो एग्ज़ाम का सबको ही रहता है लेकिन मैं थोड़े बहुत की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ उनकी जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंशन में ले आते हैं सो so, आज का मेरा सेशन है उन सबके लिए ही कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एग्ज़ाम स्ट्रेस और फियर यस कैसे इस एग्ज़ाम के जो स्ट्रेस है इसे दूर भगाएं और फियर में हम ना रहें थोड़ा बहुत तो फिर भी रहेगा लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वाली सो so, मैं दूंगी आज आपको पांच डोज जो आपको करने हैं जिससे आपको एग्ज़ाम का फियर नहीं रहेगा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और उसके बाद आएगा एक्वेज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो वर्ड ऑफ द डे जैसा कि मैं हमेशा देती हूँ सो so, गेट स्टार्ट फाइव डूज जिनको आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से तो नहीं रहेगा स्ट्रेस एंड फेयर सो फर्स्ट फोकस ऑन योर यूनिक स्किल्स नाउ क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है यार मैं ही टॉप करूँ या मेरी ही परसेंटेज सबसे ज़्यादा आए मेरे ही मार्क्स सबसे ज़्यादा क्लास में आए हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं विच इज़ नॉट राइट at ऑल आपको क्या करना है अपने यूनिक स्किल्स पे फोकस करना है क्या है हमारा थियोरेटिकल पॉइंट ज़्यादा अच्छा है या प्रैक्टिकल ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा कोई एक पार्ट बहुत अच्छा होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके दोनों पार्ट वो मैनेज कर लेते हैं थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी तो हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा पार्ट अच्छा है और हमें उसे बहुत स्ट्रांग करना है और जो पार्ट अच्छा नहीं है उस पर हमें काम करना है राइट right? सो so, आप अपने जो यूनिक स्किल्स हैं उन पर फोकस करें इस पर ध्यान ना दें कि और सब क्या कर रहे हैं ओके सो फोकस ऑन योर ओन स्किल्स तभी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैंने अपनी प्रिपेरेशन्स दोनों ही लेवल पे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कर ली हैं सेकेंड फॉलो योर बेस्ट शेड्यूल नाउ क्या होता है जब हम कोई शेड्यूल बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे आधे में छोड़ देते हैं और फिर उसे चेंज करते हैं दैट इज़ नॉट द राइट प्लान और इसीलिए जब हम दो तीन बार ऐसे बार बार अपने शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल्स को चेंज करते हैं तो मन में आता है एक स्ट्रेस नहीं यार पहले वाला टाइम टेबल ठीक था नहीं यार सेकेंड वाला ठीक था नहीं अब जो ये लास्ट वाला है वो ठीक था दस दिन तो मैंने वेस्ट कर दिए दैट इज़ नॉट राइट जो भी टाइम टेबल बनाए बहुत अच्छे से सोच के बनाएँ प्रॉपर शेड्यूल बनाएँ और उसके बाद उस पर स्टिक रहें और उसके हिसाब से अपना काम करें जिससे कि ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में ना रहे कि मैंने पहले अपने टाइम वेस्ट कर दिया है या मैं अब अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ जब भी हम ऐसा फील करते हैं तो हमारे मन में आता है स्ट्रेस येस और तभी हम एग्ज़ाम से डरते भी हैं कि हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है हम शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है अपना प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है जो भी आपने बनाया है उसमें प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेकेंड बनाइए रिवीजन के लिए और थर्ड बनाई है आपका जो डे बिफोर का प्लान होगा ऑब्वियसली हम सब जानते हैं एक या दो दिन की छुट्टियां मिलती हैं हमें हमेशा गैप्स जो मिलते हैं एग्ज़ाम्स में वो इतने इनफ नहीं होते कि हम उसमें सारा सब्जेक्ट बार बार पढ़ लें राइट right? कई बार बहुत सारा डीप में पढ़ लें तो हमें क्या करना है अपना एक प्लान हमेशा तैयार रखना है कि हमें एक दिन पहले कैसे स्टडीज़ करनी है तो अगर हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे तो फियर जो है और जो स्ट्रेस है वो कहीं दूर चला जाएगा थर्ड प्रेज योर सेल्फ नाओ दिस इज़ माई फेवरेट वन बिकॉज जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो अपने आप को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने शेड्यूल्स और टारगेट्स को जब भी कम्प्लीट कर रहे हैं उन्हें टिक करते जाएँ जहाँ पर भी आपने अपने शेड्यूल और टारगेट्स लिखे हुए हैं शेड्यूल एंड टाइम टेबल लिखा हुआ है उसको डेली बेसिस पर टिक करते जाएँ कि ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया है एट एंड ऑफ द डे अपने आप को प्रेस जरूर करें अगर वो कम्प्लीट हुआ है तो और अगर नहीं हुआ है कंप्लीट तो एक ज़रूर ओथ लें कि ये मुझे कल कंप्लीट करना ही करना है बिकॉज तभी शेड्यूल्स बनाने का फ़ायदा है तभी टाइम टेबल्स बनाने का फ़ायदा है अदरवाइज़ आप रोज़ टाइम टेबल बनाएंगे रोज़ एलोकेट करेंगे कि ये टाइम में मैं ये सब्जेक्ट करूँगा पर नहीं करेंगे तो हमेशा हैबिट डालिए अपने आप को प्रेस करने की अगर आपने अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की है इससे क्या होता है कि आप डे बाय डे अपने आप को मोटिवेट करते चलते हैं तो जो आपका स्ट्रेस है जो फियर है एग्ज़ाम का और प्रिपेरेशन का वो कम होता जाता है फोर्थ चार्ज योर सेल्फ क्या होता है जब भी हम एग्ज़ाम की प्रिपेरेशन्स करने बैठते हैं और वो जो लास्ट के दो तीन महीने होते हैं उसमें हम अपने आप को बस एक जगह कैद कर लेते हैं कि बस मुझे ऐसे ही पढ़ाई करनी है कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती इस तरीके से पढ़ाई करने की लेकिन उसमें हम क्या करते हैं हम और सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ से जुड़ी हैं उन सब से बिल्कुल बाइकऑट कर लेते हैं जो सही नहीं है सो so, हमें क्या करना है एक प्रॉपर रूटीन अपना ज़रूर मेंटेन रखना है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो वाली वो एक्टिविटीज़ करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चार्ज अप मीन्स चार्जर सेल्फ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट कैसे मॉर्निंग का अपना प्रॉपर रूटीन रखिए जिसमें आपका एक्सरसाइज रूटीन टेकिंग प्रॉपर शावर एंड उसके बाद आपका ब्रेकफेस्ट देन लंच बीच में स्नैक्स डिनर सारी चीज़ें प्रॉपर रखिए अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए क्योंकि वो चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें हमेशा क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट कर रही होती हैं और जब हम स्ट्रेस में होते हैं जब हमें लगता है हमारी प्रिपेरेशन्स नहीं हो रही हैं तो हमारी बॉडी भी अलाउ नहीं करती हमें सिटिंग्स के लिए और प्रपेरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा बिकॉज़ वो एग्जॉस्ट हो गई होती है क्योंकि बींग अ ह्यूमन ऑब्वियसली हमें एक प्रॉपर डाइट चाहिए समय पर और सारी चीज़ें समय पर चाहिए फिफ्थ स्लीप एट इट्स बेस्ट ना क्या होता है जब एग्जाम्स आते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं कि बहुत कम नींद लेने लगते हैं यस yes, सिर्फ तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे की हिसाब से सुनकर बहुत सारे चैनल्स से मोटिवेट होकर के यार नहीं सोना है हमें तो बहुत सारी पढ़ाई करनी है बट वो एफिशिएंसी नहीं आती ना वो प्रोडक्टिविटी आती है और फिर क्या होता है ना तो हम प्रॉपरली सोए तो ना तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिला और ना ही हमारी वो उतनी अच्छी प्रिपेरेशन हो पाई तो क्या फ़ायदा हुआ उससे कुछ नहीं तो एक प्रॉपर टाइम जो कि एलोकेटेड है स्लीप को वो जरूर दें सिक्स टू सेवन आवर्स इज रिकमेंडेड ऑब्वियसली मैं मानती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है तो उसे थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है बट स्टिल उसे रेगुलर लें स्लीप को क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से चार्जडअप रखेगी लाइक योर डाइट एंड एक्सरसाइज सो स्लीप हमेशा टाइम पर लें सो so, टाइम में का मीनिंग डे और नाइट आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं अपने सोने का टाइम ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप नाइट स्टडी कर रहे हैं तो आपको नाइट में सोना है अगर आपको सूटेबल लगती है नाइट स्टडी तो नाइट स्टडी कीजिए लेकिन अपने सोने का टाइम प्रॉपर ज़रूर निकालिए राइट सो so, ये थे फाइव डूज़ मेरी तरफ से जो कि आप तक स्ट्रेस नहीं आने देंगे फियर नहीं आने देंगे एग्ज़ाम्स का अगर आप ये फॉलो करेंगे अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया या और भी होने चाहिए पॉइंट्स तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेंशन करके बताएं कमेंट बॉक्स में मैं खुद भी अपडेट होना चाहूँगी आपसे और आपका कौन सा फेवरेट पॉइंट है ये भी नाउ इट्स टाइम फॉर सिक्सटी सिक्स नंबर सो आपको कुछ नहीं करना है जो मैंने पाँच पॉइंट्स ऊपर बताए हैं उन्हें बस मैंशन करना है कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप हेडिंग्स डाल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में एंड अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस और आप देखना चाहते हैं इसके बाद के डोंट्स भी जो अब आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में सो so, और बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो स्टूडेंट स्पेशल में है मेरे पास टाइम टेबल्स रिलेटेड सो so, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें बाय लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड वो जो क्यून से बेल लाइक करें उसे ज़रूर हिट करें जैसे सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे राइट सो नाओ इट्स टाइम फॉर वोकैब्ररी वर्ड ऑफ द डे एंड टुडे इट्स सेवेंटी वन यस सेवेंटी वन वर्ड वोकैब्ररी वर्ड एंड मैंने सेवेंटी वर्ड्स पीछे अपने वीडियोज़ में कम्प्लीट कर दिए हैं आप जाकर उन्हें देख सकते सो टुडेज वर्ड इज़ येल येल मीन्स चीखना चिल्लाना टू शाउट आउट लाउडली इन एक्साइटमेंट इन पेन और इन एंगर इट्स एन ऑन एंड श्रीक हुट शाउट it can be better used in sentence as don't yell at the children so happy watching thanks for visiting my channel stay happy stay safe and remain active on my channel bye bye